हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक मज़ेदार सी रेसिपी, जहाँ मैं बनाने वाली हूँ चिली पोटैटो। तो मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ, बट इसमें हम कुछ अलग वे ट्राई करने वाले हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और फटाफट से आपके रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चार आलू, मीडियम साइज़ आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से वॉश कर लें और फिर पील ऑफ कर मैंने देखे इनको इस शेप में कट कर लिया है। यही प्रॉपर शेप होती है, तो आप ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही पतला इसको रखें। तो मैंने इसको सोक कर लिया था वाटर में, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। तो अब मैं यहाँ पर एक टॉवल ले लेती हूँ और उस पर हम इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा सोक हो जाए इस तरह से। तो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा और चावल का आटा 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास चावल आटा नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और अब हम सॉल्ट डालते हैं और फटाफट से इसको मिक्स करके जल्दी से फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, मैं यहाँ गरम तेल में ही इसको डाल रही हूँ। और इनको डालने के बाद आप सिम गैस पर अच्छी तरह से इसको फ्राई करें, जिससे कि आपके काफी ज्यादा क्रंची हो पाए ये इस तरह से। तो अच्छे से हम इसको फ्राई होने देंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये काम आपको बहुत ही जल्दी करना है, और अगर आपके आलूओं ने पानी छोड़ दिया है तो आप इसमें और थोड़ा सा राइस फ्लावर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी आवाज़ इसमें आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये। ये तो रेडी हो गए हैं और अब हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून तेल ले लिया है और अब मैं डाल रही हूँ हींग, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च। जैसे कि ये चिली पोटैटो हैं तो ऑब्वियसली आपको मिर्च तेज़ रखनी होगी, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च डाल दी हैं। 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सोया सॉस। नमक मैंने पहले आलू में भी डाला है, तो सोया सॉस का ध्यान रखें आप, ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना, सोया सॉस में भी नमक होता है। ग्रीन चिली सॉस यहाँ पर डाल दी है मैंने। और अब हम डालते हैं 1 टेबल स्पून विनेगर। अगर आप चाहें तो आप टोमेटो सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े मीठे खाना पसंद है तो। और अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, 1 मिनट के लिए पानी को का उबाल ले लेंगे इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ स्लरी। तो मैंने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च लिया है 1 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून वाटर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर। तो अब हम इस में इसको डाल देंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे और साथ साथ डालते भी रहेंगे। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ग्रेवी थिक हो गई है, इतना ही हमें चाहिए। तो अब हम फाइनली इसमें जो हमारे फ्राइड पोटैटो थे वो डाल देते हैं और अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स इस तरह से। सो ये हमारे तैयार हैं और अब कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। सो हेयर इट इज़ गाइज, मेरे चिली पोटैटो तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं खाने में, और फटाफट से देखिए बनकर रेडी हो गए हैं। कुछ भी ज़्यादा करने की नीड नहीं है। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।